रायबरेली में लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में प्रशासन वर्सेज इंडस्ट्रीज के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी रायबरेली श्रीमती हर्षिता माथुर और विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री अभिषेक कुमार अग्रवाल ने भाग लिया। स्वीप योजना के तहत यहाँ पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मौजूद लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाने के साथ ही सिग्नेचर कैंपेन का भी आयोजन किया गया। मैम आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज हम सभी लोग यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं, मेरे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं। जनपद में आप लोग जानते हैं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान का जो दिवस है 20 मई है, और स्वीप के अंतर्गत यानी कि मतदाता जागरूकता के अंतर्गत आज यहाँ पर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें कि व्यापार मंडल के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण और सदस्यगण हैं वो सभी लोग आए हैं, और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की भी टीम इस मैच में प्रतिभाग कर रही है। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये है कि हमारे जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके संबंध में जागरूकता ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसी कारण से हम लोग सभी लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।